बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। संध्या जी, मिसेस सक्सेना आप आइए ना। आप और इस वक्त यहाँ, आपने तो मेरी बेटी की मेहंदी सेरेमनी में चार चांद लगा दिए। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, प्लीज टू कम इन। मैं यहाँ आपकी बेटी की मेहंदी सेरेमनी में शामिल होने नहीं आई। बल्कि मुझे आपसे एक अहम सवाल का जवाब चाहिए। क्या बात है बहन जी, आप तो बहुत नाराज लग रही है। हमसे कोई गलती हुई है क्या? गलती हुई होती तो कोई बात नहीं थी। हम आपको माफ कर देती, लेकिन आपने जो सोच समझ कर प्लान कर कर हमारे साथ किया है, उसे माफ नहीं किया जा सकता। बहुत गंदी हरकत की है आप लोगों ने हमारे साथ। माफ कीजिएगा, शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आखिर क्या किया है हमने? क्या आपको हमारे ऊपर कोई शक है? कोई मन में शंका है जो आपने हमारी जासूसी करवाई? अरे अगर आप हमारे परिवार से निश्चिंत नहीं थे तो ये रिश्ता क्यों? हम तो नहीं आए थे चलकर आपके दरवाजे पर। हम कोई ऐरे कैरे नहीं है, किसी भी नजरिए से कम नहीं है हमारा खानदान आपके खानदान से। मिसेस सक्सेना, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ बताइए ना, हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा। बनिए मत संध्या जी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतनी शकी हैं कि आप अपने परिवार के किसी सदस्य को भेज देंगी भेस बदल कर हमारे यहाँ जासूसी करने। बहन जी, आप ये क्या कह रही है? आप किसके बारे में बात कर रही है? कौन आया था हमारे घर से आपके यहाँ भेस बदल कर? वो सिमरन नाम है ना इसका? थी हमारे यहां भेस बदल कर। आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? सिमरन, ये सब क्या है? क्या तुम भेस बदल कर उनके घर गई थी? परचाई जी, अगर मिसेस सक्सेना कह रही है तो सच ही होगा। आप तो बस इसे इतना पूछिए, किसने ऐसा किया कि? किस मकसद से? माफ कीजिएगा बहन जी, लेकिन आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि सिमरन आपके घर आई थी? हेलो। हेलो जी, मैं मिसेस सक्सेना बोल रही हूँ, आप कौन? मैं कौन हूँ ये जानने से ज्यादा जरूरी आपके लिए ये जानना है कि आप अपने बेटे की शादी जिस घर में कर रही हैं, उन लोगों को आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं?
सच कह रही हूँ, आपके घर में जासूसी की जा रही है। सिमरन को जानती हैं? वो इस वक्त आपके घर में है। What? अगर अमन की माँ ने ये बता दिया कि उन्हें सिमरन के बारे में किसी गुमनाम फोन से पता चला, तो सिमरन समझ जाएगी कि वो फोन मैंने किया था। गलती की मैंने, मुझे अमन की माँ तक ये बात किसी और तरह से पहुँचानी चाहिए थी। इस तरह जल्दबाजी में आवाज बदल कर फोन नहीं करना चाहिए था मैंने। बताइए बहन जी। मैंने खुद देखा है सिवा। थैंक गॉड अमन की माँ ने फोन का जिक्र नहीं किया। मैं तो तुम्हें पहली नजर में ही पहचान गई थी। चाहती तो मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सकती थी, तुम्हारी बेइज्जती कर सकती थी, लेकिन मैं अपने मेहमानों के सामने तमाशा नहीं खड़ा करना चाहती, इसीलिए मैं चुप रही। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी, मुझे इसकी हरकत का जवाब चाहिए। मुझे आप सब लोगों से सिमरन की इस हरकत का जवाब चाहिए, क्योंकि ये मेरे खानदान की बहुत बड़ी बेइज्जती है। आज फैसला होकर रहेगा, क्योंकि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आपकी बेटी आपके घर में है, हमारी बहू नहीं बनी। आज ये रिश्ता टूट भी सकता है। नहीं नहीं मिसेस सक्सेना, ऐसा मत कहिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। ये रिश्ता मत तोड़िए, मेरी बेटी का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। सिमरन की गलती की सजा बेटी को मत दीजिए प्लीज। बहन जी विश्वास कीजिए, सिमरन ने जो कुछ भी किया उसके बारे में हम में से कोई नहीं जानता था। सिमरन और हमारे परिवार की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। देखिए बहन जी, आप शादी तोड़ने की बात मत कीजिए, वरना बहुत बदनामी होगी हमारे बेटे की और पूरे पूरे परिवार की। देखिए मैं भी बात को बढ़ाना नहीं चाहती, लेकिन अगर आप लोगों के मन में हमारे परिवार के प्रति कोई भी शंका हो तो इसी वक्त दूर कर दीजिए, क्योंकि दोबारा ऐसी हरकत मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नहीं मिसेस सक्सेना, आप यकीन मानिए हम में से किसी को ऐसी कोई शंका नहीं है। इनफैक्ट मैं तो सबसे कहती फिरती हूँ कि आपने अमन के लिए मेरी पिया को चुनकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आई प्रॉमिस यू कि आज के बाद हमारे परिवार से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। क्या हुआ मॉम, शादी होगी कि नहीं? क्यों नहीं होगी? ऑफ कोर्स शादी होगी, और उसी दिन होगी जिस दिन तय हुई। इसका मतलब है आप उन्हें ठीक से धमकाने में कामयाब रही। यू आर टू गुड मॉम। क्यों, तुम्हें कोई शक है? अपनी मॉम पर भरोसा नहीं है क्या? कम ऑन मॉम, भरोसा है। इतने बड़े खानदान का रिश्ता मैं अपने हाथों से
इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती थी? तुम्हारी मॉम जो एक बार ठान लेती है ना, उसे करके दिखाती है। जानता हूँ मॉम, डर तो मुझे सिर्फ सिमरन का लगा। अगर उसने फिर से कोई हरकत की तो? सिमरन, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब उसके घर में कोई भी नहीं सुनेगा। मैंने उसके परिवार वालों को उसके खिलाफ इतना भड़का दिया है कि अब ओबेरॉय परिवार उससे नफरत करता है। और तुम्हारी और पिया की शादी होने तक वो उस घर से कदम भी बाहर नहीं रख सकती। तो सिमरन का डर अपने दिल से निकाल दो डार्लिंग। क्या हुआ अमन, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? मॉम, आज आपने सिमरन को तो संभाल लिया, लेकिन कब तक हम इस राज को राज बनाए रखेंगे? कब तक इस सच्चाई को छुपाएंगे? हमें इस मुश्किल का कोई ना कोई हल तो ढूंढना ही होगा, जिससे ये मुसीबत हमेशा के लिए टल जाए। तुम चिंता मत करो, सिर्फ दो दिन, सिर्फ दो दिन का सवाल है। तो तुमने सारी हदें पार कर दी है सिमरन। तुम्हें माफ किया जाए इस बात की भी गुंजाइश नहीं छोड़ी तुमने। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आखिर तुम्हें मेरी बेटी से प्रॉब्लम क्या है? क्यों उसकी जिंदगी तबाह करने पर तुली हुई हो? तुम्हें कितनी बार समझाया कि इस मामले में दखलअंदाजी मत करो, लेकिन नहीं, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। आखिर तुम चाहती क्या हो? कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? चाची, आप जितना पिया से प्यार करती हैं उतना ही मैं भी करती हूँ। आपको जितनी पिया की फिक्र है उतनी मुझे भी है। मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, बल्कि मैं उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचाना चाहती हूँ। और बस यही रीजन है कि मैं अमन के घर में छुपते छुपाए गई थी। और तुम्हारी ऐसी हरकत से पिया की शादी टूटते टूटते बची है सिमरन। चाची जी, पिया किसी गलत घर की बहू बन जाए और हम जिंदगी भर के लिए पछताए, उससे अच्छा उसकी शादी टूट जाए। बस, बस सिमरन, एक लफ्ज और नहीं। मेरी बेटी की शादी के दिन ऐसी अपशकुन की बात मत करना। Got that? चाची, सक्सेना परिवार ठीक परिवार नहीं है। आपको यकीन हो ना हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो कोई चीज हमसे छिपा रहे हैं। सिमरन, हम सब भी उनके घर जा चुके हैं, कई बार मिल चुके हैं उन लोगों को। हम में से किसी को ये महसूस नहीं हुआ। परचाई जी, महसूस तो तब होता जब ऐसी कोई बात होती, कोई सच्चाई होती। लेकिन सच्चाई तो यह है कि ये सब बातें इसकी दिमाग की उपज है, इसका वहम है। इस वहम को दूर हटाने के बदले ये उस वहम को हवा दिए जा रही है, और उसके इस वहम का भुगतान मेरी बेटी को करना होगा। एक बात याद रखना सिमरन, अगर तुम्हारी वजह से मेरी पिया की शादी टूटी तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ये मेरी तुम्हें आखिरी वार्निंग है। मुझसे, मेरी बेटी की जिंदगी और उसके ससुराल वालों से दूर रहना, वरना वो हश्र करूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी।
नहीं सिमरन, संध्या का गुस्सा बहुत जायज है सिमरन, बहुत बड़ी गलती की है तुमने। पापा जी प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए, ये मेरा वहम वहम नहीं है बल्कि। संध्या के गुस्से को और मत भड़काओ सिमरन, बेहतर यही होगा कि तुम अब चुप हो जाओ। पिछले बार संध्या ने गुस्से में तुम्हें क्या क्या कहा तुम्हें याद है ना? अरे मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, इस बात को यही खत्म करो। अगर तुम्हारे मन में कोई बात थी तो तुम इतना बड़ा कदम उठाने से पहले हमसे बात करती। मुझे बहुत हैरानी और नाराजगी हो रही है तुम्हारी गैर जिम्मेदारी पर। पापा जी आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, प्लीज मुझे बस सिमरन बस। रुहान, आपको तो मुझ पर यकीन है ना कि मैं गलत नहीं हूं? आप भी समझ रहे कि मैं गलत हूं, ये सारे लोग मुझे गलत समझ रहे, लेकिन मैंने जो भी कुछ किया सिर्फ और सिर्फ पिया की बेहतरी के लिए किया। क्यों ना तुमने पिया से बात की थी, या फिर पिया ने तुमसे कहा था कि जाओ अमन के घर और छानबीन करो? बोलो सिमरन। नहीं तो फिर क्यों सिमरन, तुम क्यों खामखा दूसरों की नजरों में यूं गिनना चाहती हो? हर चीज का एक तौर तरीका होता है, एक ढंग होता है, लेकिन नहीं सिमरन, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूं। इस वक्त सब मुझे गलत समझ रहे, सबको लगता है कि मैं पिया के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हूं, लेकिन मैं साबित कर दूंगी कि मैं उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही बल्कि उसका भविष्य बर्बाद होने से बचाने की कोशिश कर रही हूं। बेचारी सिमरन बिल्कुल अकेली रह गई, सबने मुंह फेर लिया उसकी तरफ से, सारा परिवार नाराज है उससे। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है, मेरा प्लान आखिर कामयाब हो गया। जो बीज मैंने बोए हैं उनके फल देने का वक्त करीब आ रहा है।